फ्रेंड्स, सदर पाकिस्तान ने बेरोज़गार अफराद को रोज़गार फराहम करने के लिए एक नई स्कीम मुतारफ़ करवाई है जिसका नाम है सदर पाकिस्तान रोज़गार स्कीम। तो इसके लिए उम्र की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्कअप कितना होगा, डाउन पेमेंट कितनी होगी और अक्सात किस तरह आपने पेमेंट करनी है, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल नॉलेज जोन को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करते वक्त आल के बटन को लाजमी क्लिक किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। फ्रेंड्स, इस स्कीम से जो लोग फ़ायदा उठाएंगे उनके लिए उम्र की हद 18 से 45 साल है, 6% मार्कअप है और 10% डाउन पेमेंट है, 3 माह तक कोई किस्त नहीं देनी और अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी एक साथ की पेमेंट में कोई ताखीर हो जाती है या खुदा न ख्वास्ता मौत हो जाती है तो या माजूरी हो जाती है, दोनों सूरतों में हुकूमत पाकिस्तान जो है इसकी ज़िम्मेदारी लेगी और कर्ज़े की जो मुद्दत है वो वापसी के लिए 5 साल की है। और NBP की जो वेबसाइट है उसका आपको मैं डिटेल दे देता हूँ कि वहाँ पर जाके आपने अप्लाई कैसे करना है और इसकी डिटेल इस स्कीम की आपने कैसे डाउनलोड करनी है। ये देखें फ्रेंड्स, जब आप NBP की वेबसाइट पर जाएंगे यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे कि आप वहाँ पर जाकर पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं जिसमें आपको ये लोगो दिखाई दे रहा है मेरा अपना कारोबार। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर ढूंढ नहीं सकते तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसको ज़रूरत होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखा दूं कि आपने अप्लाई कैसे करना है और इस प्रोग्राम की डिटेल कैसे डाउनलोड करनी है या चेक करनी है या आप मालूमात मुकम्मल हासिल करना चाहते हैं तो कैसे हासिल करेंगे। यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके एक चीज़ आपको दिखाई हुई है जिसमें पहले नंबर पर लिखा हुआ है मदमसी राइटिंग में ब्रोशर्स, आगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट इन्फो, तीसरे नंबर पे है हाउ टू अप्लाई और आगे है डाउनलोड फॉर्म और आगे है कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पर जाके आपने जो ब्रोशर है उसको जो है डाउनलोड कर लेना है, जिस तरह PDF की फाइल में आ जाएगा अपने मोबाइल पर, PDF डाउनलोड कर लें और उससे जाकर ये एक्रोबैट रीडर से खुलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो आपने फॉर्म डाउनलोड करना है वो भी इसका तरीका यहाँ पर मौजूद है, यानी कि इस एक जो मैंने हाईलाइटिंग करके चीज़ें बताई हैं इसको एक एक करके आप खोलेंगे तो हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी जिससे आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका और इनकी अक्सात की डिटेल और तमाम जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने ये ब्रोशर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ओपन किया है। तो आप जो है अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर पे आसानी से ये चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है कि कुछ जो फाइलें हैं ऑफिस फाइलें होंगी, PDF फाइलें, ये हर एक मोबाइल में ओपन नहीं होती और उनको आपको पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करके फिर उनसे ओपन करना होता है। ये देखें प्रोग्राम की डिटेल सारी आप जो है इसमें देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम की शरायत और ज़वाबत क्या हैं, अप्लाई कैसे करना है और एक साथ कितनी होंगी और डाउन पेमेंट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ इस वेबसाइट के इस लिंक में आपको मिल जाएंगी। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें ताकि बेरोज़गार लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें।